मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देवास जिले में कांग्रेसियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई। उन्होंने गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। रैली के दौरान उन्होंने साफ सफाई और प्लास्टिक मुक्त देश बनाने का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर करीब कई वरिष्ठ कांग्रेसी जन मौजूद थे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कमेटी के आह्वान पर जो महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक साप्ताहिक सप्ताह चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने गोष्ठी करके महात्मा गांधी के जन्मदिन की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक रैली निकालते हुए आज महात्मा गांधी और लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की सब लोगों ने शपथ ली है। और अभी अलग अलग कार्यक्रम है, भजन संध्या भी है, सामाजिक गोष्ठी भी है, महात्मा गांधी के मूल्यों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर जो हमको मिले हैं वो पूरा सप्ताह चलते रहेंगे। जय हिंद। आज भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व के नेता पूज्य महात्मा गांधी साथ ही आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। इस अवसर पर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनकी धरोहर को 2 अक्टूबर का दिन है विश्व की धरोहर महात्मा गांधी के जन्मदिवस। आज कांग्रेस पार्टी के महसूस करती है जब महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का नाम उनके बताए राष्ट्रपति जल्दी आज भातिका नगर में ब्लॉक कांग्रेस का काम आयोजित किया पदयात्रा का और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगभग हर ब्लॉक मुख्यालयों पर आज पदयात्रा का कार्यक्रम किया था। हमने पहले गोष्ठी करी वहाँ पर, गोष्ठी में तमाम अफसरों ने अपनी बात रखी, उसके बाद ये पदयात्रा यहाँ पर आज समापन की। हम सब लोगों का देशवासियों को यही संदेश है कांग्रेस जनों का कि ये वक्त है आज भाईचारे से रहने का, ये वक्त है आज कि हम लोग जो लोग परमाणु बम से डरा रहे हैं, कोई काय से डरा रहा है, ये वक्त डराने का नहीं है, ये वक्त हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।